मधुमक्खी ने काटा है। क्या आप जानते हैं मधुमक्खी का इंसान को काटना उसकी मौत का कारण बन जाता है? आज आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। 1957 में मधुमक्खी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिससे बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक्सपेरिमेंट के बाद ये नोटिस किया गया कि मधुमक्खियां बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये मधुमक्खियां अपने एक्सपेरिमेंट कंटेनर से बाहर आई तो ये रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देगी। और इसी दौरान वही हुआ जिसका सबको डर था। दोस्तों, ये वाक्य ब्राजील के शहर रियो की एक लैब में सामने आया था, जब डॉक्टर वार्विक मधुमक्खियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्योंकि यूरोपियन मधुमक्खियों की शहद प्रोडक्शन बहुत कम थी, इसी वजह से डॉक्टर वार्विक इन मधुमक्खियों का डीएनए चेंज करना चाहते थे, ताकि ये मधुमक्खियां भी ज्यादा से ज्यादा शहद बना सके। डीएनए में बदलाव करने के लिए साउथ अफ्रीका से मधुमक्खियां मंगाई गई, जिनका यूरोपियन मधुमक्खियों के साथ मेट कराया गया। ये एक्सपेरिमेंट एक कंटेनर में किया जा रहा था, जहां मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए थे। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था और मधुमक्खियों की इस नस्ल को एफ्रिकेनाइज्ड बीज का नाम दिया गया। हर चीज उसी तरह से हुई थी जैसा प्लान किया गया था, लेकिन जब डॉक्टर वार्विक ने इन मधुमक्खियों को देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। डॉक्टर वार्विक को मधुमक्खियां ज्यादा एग्रेसिव लगी। इसे देखकर डॉक्टर ने फैसला किया कि वो इन मधुमक्खियों को कंटेनर से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लैब में काम करने वाले एक कर्मचारी की गलती से मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड कंटेनर से बाहर निकल गया। मधुमक्खियों की ये नई नस्ल कितनी खतरनाक थी, ये कंटेनर से बाहर निकलने पर ही पता चला। क्योंकि कंटेनर से बाहर आते ही ये मधुमक्खियां लोगों पर हमला करने लगी, जिससे लोगों की जान जाने लगी। अब इन मधुमक्खियों को काबू करना बहुत मुश्किल था। इन्होंने जगह जगह अपने नए छत्ते बना लिए और इनकी संख्या तेजी से बढ़ती गई। ब्राजील से बढ़ते बढ़ते अब ये मधुमक्खियां अमेरिका में भी फैल गई, जो कि अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुकी है। और इसी वजह से अफ्रीकनाइज्ड मधुमक्खियां किलर बी के नाम से भी जाने जाने लगी। देखने में ये ज्यादा काली और दूसरी मधुमक्खियों की तुलना में काफी खतरनाक होती है। जो इनके छत्ते की तरफ बढ़ता है, ये खतरे को भांपकर उस पर टूट पड़ती है। अगर इन मधुमक्खियों ने एक बार ठान लिया तो ये 2 किलोमीटर तक अपने शिकार का पीछा करती है। लेकिन दूसरी मधुमक्खियों की तरह ये किलर भी काटने के बाद मर जाती है। इनका डंक क्यों इतना खतरनाक होता है, इसे जानने के लिए पहले ये जानिए कि ये मधुमक्खियां हमला क्यों करती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये मधुमक्खियां इंसान पर तब हमला करती है जब इन्हें इंसान से खतरा महसूस होता है। आमतौर पर नॉर्मल मधुमक्खियां तब हमला करती है जब कोई उनके छत्ते के साथ छेड़छाड़ करता है। क्योंकि अफ्रीकनाइज्ड मधुमक्खियां ज्यादा एग्रेसिव होती है, ऐसे में ये दूर से ही अपने छत्ते की तरफ बढ़ने वाले की तरफ हमला कर देती है। जब ये मधुमक्खियां फूलों से पॉलिन इकट्ठा कर रही होती है, तब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर कोई उन्हें बेमतलब का छेड़ दे या इन्हें मारने की कोशिश करे तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, इन अफ्रीकनाइज्ड मधुमक्खियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि डंक मारने के बाद ये खुद मर जाएंगी। असल में इन मधुमक्खियों का डंक एक दांत वाले चाकू की तरह होता है। जब ये डंक इंसान को मारती है तो इसका डंक इंसान की खाल में फंस जाता है और इसी वजह से डंक बाहर नहीं निकल पाता। मधुमक्खियां जब डंक को बाहर निकालने के लिए जोर लगाती है तो वो इंसान के शरीर से बाहर निकलने की बजाय मधुमक्खी के शरीर से ही उखड़ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अफ्रीकनाइज्ड मधुमक्खियों में से अगर किसी एक मक्खी ने भी किसी को डंक मारा तो उनका पूरा का पूरा झुंड वहां पहुंच जाता है और इंसान पर टूट पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी मधुमक्खियों को पता कैसे चलता है कि हमला किस पर और कहां करना है। दरअसल मधुमक्खियां जो शहद अपने छत्ते में जमा करती है, वो ये मक्खियां अपने खाने के लिए जमा करती है। ये मधुमक्खियां अपने छत्ते की रक्षा करने के लिए उसके आसपास पहरा देती है। जब कोई इनके छत्ते की तरफ बढ़ता है तो एक मक्खी जो सबसे पहले डंक मारती है, तो पहली मक्खी एक केमिकल रिलीज करती है जिसे फेरोमोन कहा जाता है, जिसे सूंघकर बाकी मधुमक्खियां अपने शिकार के पास पहुंच जाती है।
मधुमक्खियों का डंक इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। जब कोई डंक इंसान के शरीर में धंसता है तो ये एक टॉक्सिन हमारी बॉडी में छोड़ती है जिसे मेलेटिन कहा जाता है। इंसान का शरीर इस मेलेटिन से लड़ने के लिए फौरन तैयार हो जाता है जिसकी वजह से शरीर का वो हिस्सा फौरन सूजकर लाल हो जाता है जहां मधुमक्खी ने डंक मारा है। अगर डंक नस के करीब लगता है तो वो बॉडी में फैल जाता है जिसके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपको कोई मधुमक्खी काटे तो फौरन उसका डंक निकाल दे क्योंकि जितनी देर तक डंक शरीर में रहेगा वो जहर छोड़ता रहेगा। किलर भी एक बहुत बड़ा छत्ता बनाती है जिसमें एक बार में 80,000 मधुमक्खियां रह सकती है। ये मधुमक्खियां परफ्यूम, चमकने वाली चीजें पर तुरंत हमला करती है। ये मधुमक्खियां सिर्फ 3 सेकंड में इंसान के शरीर में डंक उतार देती है। एक बार इन मधुमक्खियों को किसी ने छेड़ा तो इनका गुस्सा 24 घंटे तक ठंडा नहीं होता। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मधुमक्खी इंसान को काटने के बाद मर जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो प्लीज हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। धन्यवाद।